एक बार मैं नाई की दुकान पे बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अब उसमें खबर छपी थी कि शहर में एक चड्डा गैंग घूम रहा है जो कि छोटे बच्चों को अगवा कर रहा है। अब मैं जैसे ही दुकान से बाहर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी एक छोटी बच्ची को जबरदस्ती कहीं लेके जा रहा है और उसने चड्डा पहना हुआ है और बच्ची रो रही है, चिल्ला रही है। मतलब ये सारा पक्का चड्डा गैंग का ही आदमी है। तो मैं देखा रहा, जिंदगी में पहली बार हीरो बनने का मौका मिला है, इसको बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए अपने को। तो मैं उसके पास गया और बच्ची को उससे छीना और जोर से पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगा। अब भागते भागते जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस की जीप मेरे पीछे लग रही है और सामने एक पुलिस वाला मेरे ऊपर राइफल ताने खड़ा है। मैं चौंक गया साहब कि ये क्या चक्कर है, पुलिस मेरे को क्यों पकड़ रही है। फिर मैं जैसे ही नीचे देखा तो इसकी माँ का मैंने खुद चड्डा पहना हुआ था। मतलब वो आदमी तो उस बच्ची का बाप था जो उसको स्कूल छोड़ने जा रहा था, और चड्डा गैंग का आदमी समझ के पुलिस ने मुझे धर लिया। पूरे 3 साल तक वो लोग मेरी गांड पे डंडे बरसा के पूछते रहे कि बता तेरी गैंग के आदमी कहाँ है। आप मानोगे नहीं, उस दिन के बाद मैं चड्डा तो क्या चड्डी तक पहनना छोड़ दिया, डायरेक्ट पेंट ही पहनता हूँ। समझ रहे हो कि जीवन में कभी भी उतावले होके हीरो के ढाई चौदे मत बनना, नहीं मेरी तो रेवड़िया सीख गई, तुम्हारी भी सीख जाएगी। धन्यवाद, शेयर कर दो दबा के।